So, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है क्रैक, जीतेगा तो जिएगा 2024 बॉलीवुड फिल्म लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। मूवी क्रैक जीतेगा तो जिएगा, जो कि रिलीज हुई थी 23 फरवरी 2024, 23 फरवरी 2024 को फ्राइडे के दिन फिल्म को रिलीज किया गया था। इस मूवी को 5 में से only 2 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसका मतलब साफ साफ होता है कि फिल्म को ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। अगर बात करें स्क्रीन काउंट्स की, तो मूवी के स्क्रीन काउंट्स को लेकर कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन मूवी को वर्ल्ड वाइड लगभग 1500 स्क्रीन के आसपास रिलीज किया गया था इंडिया और ओवरसीज मार्केट में। ये एक एक्शन स्पोर्ट्स थ्रिलर मूवी है जिसको आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया था। अगर राइटर्स की बात करें तो वो है आदित्य दत्त, सरीम मोमीन, रेहान खान एंड मोहिंदर प्रताप सिंह। इस मूवी के प्रोड्यूसर है विद्युत जामवाल। जी हाँ दोस्तों, मूवी को विद्युत जामवाल ने खुद से प्रोड्यूस किया था। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी है जिसका नाम है एक्शन हीरो फिल्म्स। विद्युत जामवाल ने इसी प्रोडक्शन कंपनी के बैनर के तले फिल्म क्रैक को प्रोड्यूस किया था। इस मूवी के अंदर विद्युत जामवाल, नोरा फतेही, अर्जुन रामपाल, एमी जैक्सन, जैमी लीवर, अंकित मोहन एंड विजय आनंद, ये सारे नजर आए थे। इसके अलावा भी मूवी के अंदर काफी सारी कास्ट नजर आई थी। बता दें कि जो नोरा फतेही का रोल है, नोरा फतेही का रोल पहले जैकलिन फर्नांडिस को दिया गया था, लेकिन बाद में जैकलिन फर्नांडिस का रोल रिप्लेस करके नोरा फतेही को दिया गया। अगर आप क्रैक मूवी को देखना चाहते हैं तो आप OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी जाकर मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार में 26 अप्रैल 2024 26 अप्रैल 2024 को रिलीज कर दिया गया था। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो आपको बता दें कि इस मूवी में कहानी पर तो ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, लेकिन जो मूवी के जो एक्शन सीन्स है उस पे मेकर्स ने बहुत ज्यादा काम किया है। इस मूवी के जो एक्शन सीन्स है उनको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि वो आपको हॉलीवुड फिल्मों की याद दिला सकते हैं, यानी कि मूवी के एक्शन सीन्स हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं। लेकिन बात करें नोरा फतेही के रोल की, तो मूवी के अंदर उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। अगर आप विद्युत जामवाल के फैन हैं तो आपको मूवी में उनके एक्शन सीन्स बहुत ज्यादा पसंद आएंगे, लेकिन अगर आप नोरा फतेही के फैन हैं तो निश्चित तौर पर आप निराश हो सकते हैं, क्योंकि उनके ज्यादा रोल नहीं है। वही बात करें अर्जुन रामपाल का भी फिल्म में ज्यादा रोल तो नहीं है, लेकिन उनका जितना भी रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रैक मूवी बॉक्स ऑफिस पर यामी गौतम की फिल्म आर्टिकल 370 के साथ क्लैश हुई थी, और आर्टिकल 370 जिसको बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों द्वारा काफी अच्छा रिस्पांस दिया गया था। वही बात करें तीसरे हफ्ते की, तो क्रैक को तीसरे हफ्ते में अजय देवगन की फिल्म शैतान का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते क्रैक को बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करने के लिए सिर्फ 2 हफ्तों का समय दिया गया था। और इन 2 हफ्तों में यानी कि 14 दिनों में बेहतरीन कलेक्शन ना करने की वजह से क्रैक मूवी के तीसरे हफ्ते में स्क्रीन काउंट्स काफी नीचे गिरा दिए गए थे, और जिस वजह से फिल्म का जो तीसरे हफ्ते से कलेक्शन हुआ वो ना के बराबर था। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है मूवी का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो क्रैक मूवी जिसने इंडिया में डे 1 पर जो अपनी जो ओपनिंग नेट कलेक्शन की थी इंडिया की, वो थी 4 करोड़ 11 लाख रुपए की, 4 करोड़ 11 लाख रुपए की। पहले 3 दिन यानी कि फर्स्ट वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे वो हुआ था 8 करोड़ 81 लाख रुपए का, 8 करोड़ 81 लाख का। बात करें इंडिया का जो फर्स्ट वीक यानी कि पहले 7 दिन का जो कलेक्शन था वो था 12 करोड़ 51 लाख रुपए का, 12 करोड़ 51 लाख का। इंडिया का लाइफ टाइम जो नेट कलेक्शन हुआ था वो था 13 करोड़ 36 लाख रुपए का, 13 करोड़ 36 लाख रुपीस का। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन जिसमें कि टैक्स इंक्लूड हो जाता है वो था 15 करोड़ 90 लाख, 15 करोड़ 90 लाख रुपीस का। ओवरसीज मार्केट यानी कि इंडिया से बाहर क्रैक मूवी ने सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख रुपए की कलेक्शन की थी, 1 करोड़ 33 लाख की। और ये सब इंक्लूड करके क्रैक मूवी का जो वर्ल्ड वाइड टोटल लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन हुआ था वो था 17 करोड़ 23 लाख रुपए का, 17 करोड़ 23 लाख का। आ जाते हैं बजट पर, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मूवी को बनाने के लिए पैसा विद्युत जामवाल ने लगाया है, उनकी जो प्रोडक्शन कंपनी है, यानी कि इस मूवी के हीरो भी विद्युत जामवाल है और इस मूवी के प्रोड्यूसर भी विद्युत जामवाल है। अब उन्होंने मूवी को बनाने के लिए जो पैसा लगाया यानी कि मूवी का जो बजट है वो है 45 करोड़ का। अब इतना बजट लगाने के बाद भी, इतना पैसा खर्च करने के बाद भी मूवी कहीं से भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाई। अब 45 करोड़ के बजट पर मूवी का जो लाइफ टाइम टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था वो सिर्फ 17 करोड़ 23 लाख में आकर सिमट गया, यानी कि फिल्म को काफी लॉस का सामना करना पड़ा, काफी लॉस उठाना पड़ा। और जिस वजह से फिल्म की जो वर्डिक्ट है यानी कि हिट और फ्लॉप की बात करें तो फिल्म क्रैक बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी।
सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।